दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान के निम्स स्कूल ऑफ लॉ की ओर से 70वें संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। सीवी रमन सेमिनार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर मंजू कुलवाल ने सभी अतिथियों का फ्लोरल वेलकम किया और स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एडवोकेट जीडी बंसल ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र भारत के संविधान पर टिका हुआ है। अपने देश में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और दायित्व हैं। यहाँ पर हर नागरिक 18 साल की आयु से वोट डालना शुरू करता है और 21 वर्ष के बाद भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है। विशिष्ट अतिथि राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य भुवनेश शर्मा ने बताया कि भारतीय संविधान के नियम कायदों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देश के कानून के विद्यार्थियों की है। भारतीय संविधान करीब 12 अन्य देशों के संविधान से स्वीकार किया गया है। यहां पर प्रत्येक भारत के नागरिक के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है। आज 26 नवम्बर को आज के दिन संविधान की स्थापना हुई थी और आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत पूरे देश भर में हमारे एडवोकेट्स के जितने भी इंस्टीट्यूशन संस्थान हैं उसमें आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्ट किया है कि आप इस संविधान दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाएं। और आज हम निम्स यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस के स्थापना दिवस पर हमने बड़े स्टूडेंट्स के साथ मनाया गया। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स गैदरिंग अच्छी थी और यहाँ के मैडम जो प्रोफेसर मंजू कुलवाल हैं उन्होंने हमें ये मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हमें स्टूडेंट्स को जो हमारी तरफ से जो अच्छे से अच्छा हम करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कहेंगे और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को भी कहेंगे कि इस तरह के फंक्शंस लगातार होने चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निम्स स्कूल ऑफ लॉ की प्राचार्य प्रोफेसर मंजू कुलवाल ने बताया कि निम्स विश्वविद्यालय सभी छात्र छात्राओं को और क्षेत्र के लोगों को आम आदमी के अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। मेरा शुभकामना संदेश इस अवसर पर यही है कि भारत के सभी नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे और विधि का तो हर विद्यार्थी अधिकारों के साथ साथ ये जाने कि उसके संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य क्या है, क्योंकि यदि हम कर्तव्य की बात करेंगे तो अधिकार स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। आज मैं सभी विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि भारत का संविधान एक बहुत ही विस्तृत संविधान है, इसका आदर करें और भारत के जो संविधान में दिए गए आर्टिकल 51A के मूल कर्तव्य हैं इनका अपने हृदय से पालना करने का एक निश्चय लें। इसीलिए हमने सभी विद्यार्थियों को आज एक शपथ ग्रहण करवाई है कि मूल कर्तव्यों का अवहेलना वो नहीं करेंगे। आज निम्स स्कूल ऑफ लॉ ने, निम्स यूनिवर्सिटी के निम्स स्कूल ऑफ लॉ ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मॉक स्किट की प्रस्तुति दी। स्कूल ऑफ लॉ की सभी फैकल्टी ने पेपर प्रेजेंटेशन दी। मंच संचालन कासनी और शेफ ने किया। धन्यवाद ज्ञापित मनीष सिंह ने किया। इस अवसर पर निम्स स्कूल ऑफ लॉ के सभी शिक्षक डॉक्टर एमपी माली, प्रियंका गुप्ता, रमाकांत अग्रवाल, प्रतीक्षा पांडे और सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। न्यूज इंडिया के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में